इस तरह से आज ये आयोजन यहाँ पर किया गया है और क्या खास चीजें हैं यहाँ पर? हम एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुँचाने आए हैं, जो लोगों के हेल्थ में और इक्वली वेल्थ में काफी बड़े चेंजेस उसके लाइफ में कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, जिसने हमारे ग्रुप में और हमारे सर्कल में बहुत सारे लोगों को एसिडिटी से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों में, जो आज की तारीख में सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे सोसाइटी के लिए, तो उसको क्योर करने में ये प्रोडक्ट हेल्प कर रहा है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग सोसाइटी तक पहुँचे। कोरोना के आने के बाद लोग हेल्थ में और वेल्थ में दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक प्रोडक्ट जो लोगों के हेल्थ में भी अच्छे चेंजेस ला सकती है उसके और पूरे फैमिली में, और वेल्थ में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। तो वो अपॉर्चुनिटी हम इस एरिया में लेके आए हैं और इस एरिया को बड़े स्केल में डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। तो सर ये ऑलरेडी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है जी, जो ये चीज़ हम पूरे वर्ल्ड में ले जा सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, और तो यहाँ के यहाँ पे आए हुए लोगों को तो डेफिनेटली इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत बड़ी क्रांति आपको सिलवासा और नजदीक के एरिया में दिखने को मिलेगी, और हम लोगों को और सोसाइटी को हेल्दी करना चाहते हैं और हेल्थ और वेल्थ हमारा मिशन है। तो थैंक यू सो मच। सिलवासा के लिए किस तरह से आयोजन आप लोग जो कर रहे हैं, सिलवासा में आने वाले दिनों में कैसा यह दिखने वाला है? सिलवासा में जैसा अभी देखा जाए तो यहाँ का पानी, हवा, फूड बहुत पॉल्यूटेड है। हम कुछ नया ला के लोगों को हेल्थी बनाना चाहते, इसलिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया जी। किस तरह से आने वाले दिनों में, खासतौर पर अगर देखा जाए सिलवासा जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और अगर बात किया जाए दूसरी तरफ तो ये आदिवासी बहुमल्य क्षेत्र है, तो उसके ऊपर किस तरह का आने वाले दिनों में कुछ खास इस तरह से? आने वाले दिनों में सर ऐसा है कि आज जो लोग इसको निग्लेक्ट कर रहे कि भी इसका पैसा ज्यादा है, महंगा है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो बाहर कंट्री से आ रही है, तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो अगर सर हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊं तो ये क्रांति लाने वाली है, और ये वाटर क्रांति, वाटर रिवॉल्यूशन है जो आने वाले दिनों में सिलवासा, वापी और इस तरह का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सबसे बड़ी जो क्रांति आने वाली है वो है वाटर क्रांति है, जो पानी की क्रांति है। पानी से सब लोग अपने जो बीमारियां है, रोग है, वो मिटा सकेंगे सर जी। खास तौर पर सिलवासा में जिस तरह से बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, उनको किस तरह से आप लोग इस अभियान में जुड़ने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे नई नई बीमारियां आ रही है जी, बराबर है, और आप तो जानते हो बराबर है, सिलवासा की पब्लिक भी जानती है उस चीज को, यहाँ का पानी बहुत प्रदूषित हो रहा है इंडस्ट्रियल की वजह से जी, बराबर है। तो ये एक ही प्रोडक्ट है और जो सर्टिफाइड है, FDA सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, 6,500 डॉक्टर से सर्टिफाइड किया है, और 135 कंट्रीज में ये चल रहा है जी। और हम यहाँ पे इसको लेकर आए हैं, तो अगर कुछ रहेगा, प्रूफ रहेगा, तो ही हम बोलेंगे जी। ये वो चीज है जी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी, डॉक्टर के हिसाब से मैं लोगों तक मेरा इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूंगा कि अभी आने वाले समय में इतनी छोटे से लेके बड़े तक इतनी सारी बीमारियां आ चुके हैं, और देखा जाए तो हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने देखा है कि जो मेडिसिन है उसमें एक पार्ट बचाने की वजह से दूसरे पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हम पानी से कई सारी बीमारियों को जो दवाई चल रही है उसमें कम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो हमारा मिशन अभी यही है पूरे सिलवासा और पूरे वर्ल्ड में कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ पानी पिला के। मानते हैं कि दवाई तो है ही है, लेकिन पानी से इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो हमारा मिशन है लोगों तक जाना और लोगों को बचाना है पानी के द्वारा। थैंक यू।